हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन पॉइंट परस्पेक्टिव ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले चीज़ हमने जो शीट हाफ डिवाइड की हुई है आप अपना होरिजन नीचे की तरफ लगाइए। नीचे की तरफ लगाने के बाद अब अपना वैनिशिंग पॉइंट सेट करने के लिए वर्टिकल लाइन बनाइए और ये हमारे पास वैनिशिंग पॉइंट आ गया है। अब यहाँ से अपनी लाइंस बनाने निकालने शुरू कर दीजिए इस तरीके से। मेरे बिगिनर दोस्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइंस बनाएंगे तो उनके लिए इजी हो जाएगा अपनी कंपोजिशन को अटैम्प्ट करना। तो इसलिए आप दोस्तों जितनी लाइंस बना सकते हैं उतनी बनाइए। कुछ इस तरीके से आपके सामने लाइंस बनाने के बाद आपकी शीट आ जाएगी। अब शीट इस तरीके से आ गई दोस्तों, अब आप क्या कीजिए इसमें अपना काम शुरू कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम काम शुरू कर रहे हैं साइड लाइन से। बेसिकली यहाँ मैं दिखाने के वाले हैं कि यहाँ एक मुझे साइड वॉल दिखानी है और सामने एक ब्रिज दिखाना है। तो साइड वॉल पे ही जो मेरी कंपोजिशन होगी वो मेनली राइट हैंड साइड होगी। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर ये चीज़ें अटैम्प्ट करनी शुरू कर देते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है आपको लाइंस का, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि आपकी लाइंस गड़बड़ ना हो। गड़बड़ ना होने का मतलब यही है कि आप वैनिशिंग पॉइंट से जो लाइन आ रही है उनको यूज़ करते रहें, प्लस जो आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको बैलेंस करके रखें तो आपकी कंपोजिशन एकदम बैलेंस्ड रहेगी। इस तरीके से हम यहाँ पर हल्का हल्का ब्रिक्स का पैटर्न भी बना देते हैं। दोस्तों ब्रिक पैटर्न बना लेने के बाद अब हम इसके बाद ये देखिए यहाँ पर वर्टिकल लाइन बनाई है क्योंकि यहाँ पर मुझे एक फ्लैट सामने की तरफ वॉल दिखानी है जो कि काम करेगी मेरे ब्रिज का।
फिर हमने कुछ पिलर्स बना दिए हैं, पिलर्स के बीच में कुछ दरवाजे बनाने हैं, तो वो दरवाजे बनाने हम इस तरीके से शुरू कर देते हैं दोस्तों, विंडोज़ के तरीके से। ये देखिए थोड़ा सा डार्क रखेंगे ताकि उसका गेटअप वगैरह निकल के आए। सिर्फ ड्राइंग जो है दोस्तों हाईलाइट नहीं करती है आपकी चीज़ों को, आपको एक बार ध्यान रखना है कि शेडिंग करने से ही आपकी चीज़ें हाईलाइट होती हैं। तो ये देखिए यहाँ वर्टिकल लाइंस बनाई है हमने, और ये स्लांट लाइंस जो हमारी वनिशिंग पॉइंट्स आ रही है उनको फॉलो करते हुए विंडोज़ को। I'm not afraid to die.
इस तरीके से आप जो अब इसमें साइड वॉल में वर्टिकल शेड करने शुरू कर दीजिए ताकि वो दीवार आपकी खड़ी हुई नज़र आए इस तरीके से। यहाँ पर लिंक्स को शेप दे करके उसके अंदर की जो विंडोज है उसको हम इस तरीके से शेप देना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा दोस्तों, आप इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। बस ये यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने वर्टिकल लाइंस पहले ही बना लिया ताकि मेरी विंडो की शेप गड़बड़ ना हो और स्लांट लाइंस मेरी वनिशिंग पॉइंट से प्रोवाइड हो ही रही है। तो इस तरीके से देखिए आपके पास ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। जो आपकी एडिटिंग आपको लगता है अपनी तरफ से आपको डार्क करना चाहिए, उन पार्ट्स को आप जो है डार्क करना शुरू कर दीजिए और अपनी कंपोजिशन को हाईलाइट करना शुरू कर दीजिए। आसमान में हम इस तरीके से शेड कर देंगे, स्काई में लाइट शेड लेते हुए चल रहे हैं दोस्तों बेसिकली, और जो मुझे क्लाउड्स की शेप देनी है उनको मैं वाइट छोड़ता हुआ चल रहा हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी और ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से ही दोस्तों डेली बेसिस पर आप जो अपनी प्रैक्टिस करते रहें, कम से कम 10 से 15 पेजेस डेली की आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी कंपोजिशन और पर्सपेक्टिव स्किल्स बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।